विदिशा जनपद पंचायत में आने वाले ग्राम पंचायत मोडरा परसुखेड़ी की ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गौर साहब को आवेदन किया है कि कलेक्टर साहब, आप ग्राम पंचायत परसुखेड़ी के ग्रामीण कल्याण सिंह मालवीय ने बताया कि परसुखेड़ी के लोगों को सरकार की योजनाएं एवं आवास योजना के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हम सभी जगह शिकायतें भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हम सभी गरीब बुजुर्ग सभी लोगों ने सोचा है कि एक बार कलेक्टर साहब को ग्राम पंचायत मोडरा परसुखेड़ी बुलाकर हकीकत दिखा सकें। यह आवेदन कलेक्टर साहब को दूसरी बार दे रहे हैं। इंडिया समाचार के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से तोरण सिंह शिल्पकार की ये रिपोर्ट। आपके हाथ में जो आवेदन है उसमें लिखा कलेक्टर को आप आमंत्रित कर रहे हैं गाँव में बुलाने के लिए, क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव के गरीबों ने अभी तक पहली बात तो कलेक्टर साहब देखे ही नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि कलेक्टर साहब यदि पहुंच जाएं तो थोड़ी हम आंखों से हमारी समस्या सुना दें और कुछ कहना भी चाहते हैं वो कह भी सकते हैं। कौन सा गाँव है आपको? परसुखेड़ी। क्या समस्या? समस्या साहब ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हमें कोई गरीबों ने लाभ मिलता ही नहीं है। कितने लोग हैं ऐसे जो वंचित हैं? कम से कम 30-40 परिवार है सर। कब से परेशान हो रहे हैं आप? 2019 से लगा हूँ साहब मैं इसी चक्कर में, मगर आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। तो आप पूरे गांव परेशान है और आप अकेले संघर्ष कर रहे हो? नहीं अकेले नहीं साहब, वो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से गाँव वाले आते भी नहीं है और साइन करके बेचारे जो आवेदन बनाते हैं उसका साइन कर देते हैं। पीछे वाला आवेदन दिखाना, एक और है।